हाय दोस्तों, मैं हूं शिवबिन और आप बने हुए शिवबिन के साथ। वंस अगेन मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैं प्रोज का सेकेंड चैप्टर लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों ने लास्ट वीडियोस में कमेंट किया था कि सर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच डालिए, उसका अपलोड करिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाइए, क्लास नाइन्थ का पढ़ाइए। तो मैं आपको क्लियर करा दूँ कि क्लास नाइन्थ का प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री जो है वो भी चलेगा, और ग्रामर की अगर हम बात करें, ग्रामर का जो पोर्शन है वो क्लास नाइन्थ और टेंथ ये दोनों का लगभग सेम है। तो इसके लिए इसका एक प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, उसमें क्लास इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर करके उस पर आप देख सकते हैं। और रही बात आपके क्लास नाइन्थ का प्रोज, क्लास टेंथ का प्रोज, तो वो मैं आपको रेगुलरली देता रहूँगा। कुछ दिन के बाद हम आपको रेगुलर कम से कम एक प्रोज का और एक ग्रामर का पोर्शन कराते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं, अगर वो क्लास नाइन्थ और टेंथ के हैं, तो आप ज़रूर उनको शेयर करें ताकि वो भी देख पाएँ, घर पे बैठ के सभी स्टडी करते हैं। तो चलिए, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब कभी भी आप प्रोज पढ़ने जाएं, कोई भी स्टोरी पढ़ने जाएं, तो सबसे जो पहला काम होना चाहिए वो अबाउट द अथर, यानी कि लेखक के बारे में ज़रूर पढ़ें, अबाउट द लेसन चैप्टर के बारे में पढ़ें, और ग्लॉसरी तो जरूर मेंटेन करिए। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही पॉइंट की चीज़ मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप इंग्लिश की बुक पढ़ा करें तो बेशक आप लाउडली पढ़ें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो माइंड में ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करने से आपका लाभ क्या होगा और हार्मफुल है, ये बहुत ही हार्मफुल है, वो ये है कि आप मन में पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़। और अगर आप लाउडली पढ़ रहे हैं, यानी कि वॉइस को तेज तेज करके अगर पढ़ रहे हैं, तो उसका आपका बेनिफिट ये होगा, आपका जो प्रोनंसिएशन होगा, आप जिस हिसाब से पढ़ेंगे वो आपकी प्रोनंसिएशन पे डिपेंड करता है, और इस आपकी जो फ्लुएंसी होगी, जो फ्लुएंसी, जो धारा प्रवाह लोग बोलते हैं, वो आपका मेंटेन रहेगा। तो मैं आप फिर से आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि जब भी आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ें, सॉरी इंग्लिश प्रोज को पढ़ें, उसमें आप जरूर लाउडली पढ़ें, और अबाउट द लेसन, अबाउट द अथर और ग्लॉसरी को जरूर देखें। तो चलिए, ये कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड। दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ द योर प्रोज, इंग्लिश का ये सेकेंड चैप्टर है आपका प्रोज का, क्लास टेंथ का। इसका नाम है अ लेटर टू गॉड, और ये JLGL फिल्म्स के द्वारा लिखा गया है, और ये एक अच्छे खासे राइटर भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी एक किसान पर है। उस किसान का नाम था लेंचो। वो एक पहाड़ी पे रहते थे, उनका एक वो उनकी वाइफ लेंचो और उसकी पत्नी और उसके कुछ डॉटर्स थे, बेटे थे, सभी लोग रह रहे थे। तो बारिश नहीं हो रही थी, उन्होंने भगवान से प्रे किया कि बारिश हो जाए, तो लेकिन उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि ओले पड़ने लगे। ओले पड़ने के वजह से उनका जितना फसल था वो बर्बाद हो गया। तो वो उनको लगा कि अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा, तो जो लेंचो था वो एक लेटर लिखता है भगवान के ऊपर। उसका क्या विश्वास था, इस कहानी में आपको दिखाया गया, अनबिलीवेबल जो है फेथ था गॉड में कि गॉड वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तो चलिए, कहानी को स्टार्ट करते हैं। द हाउस डवनली ऑन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस कहानी का ये पहला पैरा है, मैं फिर से आपको बताऊंगा हिंदी के साथ। द हाउस यानी कि वो जो घर जहाँ पर लेंचो, जिसमें रहते थे लेंचो, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस वैली में, उस खाड़ी में एक ही ऐसा घर था जो अकेले उस खाड़ी में रहा करता था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, उस पहाड़ी के जो छोटे छोटे जो लो पहाड़ी, कई ऊंचाई थी, ढलान था, तो उसमें एक पहाड़ी की तरफ, वहां पर उनके सबसे चोटी पे उनका घर था जो सिचुएटेड था। फ्रॉम हिज हाइट वहां की ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, और वहाँ की ऊंचाई से हर कोई देख सकता था नदी को, और जितने फसल की खेत थी वो सभी को देखा जा सकता था। और कुछ कुछ दूरी पर डॉटेड फ्लावर्स थे, यानी कि कुछ कुछ दूरी पर फ्लावर्स लगाए गए थे, फूलों के पौधे लगाए गए थे, बहुत ही सुंदर लगते थे, वो भी देखा जाता था। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और हर बार अच्छी फसल वहाँ होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. The only thing
वही चीज सिर्फ द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पावर एट लीस्ट अस आवर। उस समय जमीन को जरूरत थी कि एक बार हल्की सी बारिश हो जाए या फिर मूसलाधार बारिश हो जाए, बहुत ही सख्त जरूरत थी जमीन की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो पूरा दिन, लेंचो खड़ा होकर पूरा दिन, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वो जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था कि अब इनको पानी की जरूरत है, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर आकाश की तरफ देखता रहा कि कब बारिश आएगी, कब बारिश होगी, कब फसलों को जरूर जो जरूरतें हैं पानी का कब पूरा होगा। दूसरा पैरा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग, द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। क्या होता है दूसरे पैरा में, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, फिर क्या हुआ वो अपनी औरत से कहता है कि अब शायद हम पानी हमें मिलने वाला है या फिर हमें अब जाके बारिश होने वाली है, हमारे खेतों की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। द वुमन उसकी औरत उसकी पत्नी ने कहा हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो खाना बना रही थी शाम का भोजन की तैयारी हो रही थी, डिनर बनाने का तैयारी चला तो वो सपर बना रही थी, नाश्ता बनाई जा रही थी। उसके बाद जब उन्होंने कहा, उसका पति बोला कि शायद अब हम लोग जा रहे हैं, हम बारिश को मिलेगा यानी कि बारिश होने वाली है, तो उसकी पत्नी ने रिप्लाई किया या हाँ या भगवान की जैसे इच्छा हो तो जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उसके वो खेत में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक औरत ने खाना बनाकर यानी कि लंचों की पत्नी खाना बनाकर उनको डिनर के लिए नहीं बुलाई तब तक वो लोग काम करते रहे और जो छोटे बच्चे थे वो क्या करते रहे, घर के पास खेलते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फेल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ये खाना का वक्त था, लोग खाना खा रहे थे, जैसे कि लंचो ने प्रेडिक्ट किया था यानी कि उन्होंने आशा करी थी कि शायद अब बारिश होने वाली है, तभी बड़े बड़े बूंदे गिरना स्टार्ट हो गए, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे गिरना स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे गिरना स्टार्ट कर जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व की तरफ देखा जा सकता था कि बादलों का घना बादल आ रहा था तेजी से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवाएं चल रही थी बहुत ही ताजी और बहुत ही मीठी हवाएं चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। जो आदमी था यानी कि लंचो, वो सिर्फ बाहर इसलिए निकला ताकि वो एहसास कर सके कि जो बारिश की बूंदें हैं कितना प्यारा लगती है उसके बॉडी पर, वो जब गिरते तो उसको बहुत ही अच्छा लगता कि चलो आखिरकार हमें बारिश मिल ही गई, हमारी खेतों की जरूरतें पूरी हो जाती है। लेकिन जब वो वापस आता है तो बड़ा एक्सक्लेम्ड, वो थोड़ा सा चकित होता है। फिर क्या आगे की कहानी क्या है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जब वो बारिश की बूंदों से भीग कर आता है अंदर, तब बच्चों से अपनी पत्नी से कहता है, एक्साइटेड होकर कहता है, उत्साहित होकर कहता है, ये कोई बारिश की बूंदें नहीं है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से जो बारिश की बूंदें गिर रही है वो बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो क्वाइंस है, ये तो पैसा है, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसे हैं और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 पैसे की जो क्वाइंस गिर रही है। चौथा पैरा, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, ट्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स।
With a satisfied expression, he regarded the fields of ripe corn with its flowers. उसको उसके खेतों के आसपास में फ्लावर्स भी लगे थे, फूलों के पौधे भी लगे थे। वो बहुत ही संतुष्ट होकर व्यक्त करने लगा, बताने लगा, अपने फसलों की तरफ देखने लगा, खेतों को और देखने लगा। उसको लगा कि ड्राई बिन अ काटे ना फ्रेंड, और जल्द ही अच्छे से बारिश हो गई, पूरा फसल क्या हो गया, एकदम तरोताजा हो गया बारिश से। बट सडनली, लेकिन अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी अलॉन्ग विद रेन, बारिश भी हो रही थी, तेज हवाएं भी चल रही थी। वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और यहाँ तक कि बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे बारिश के साथ। उस तूफान भी चल रहा था, बूंदे भी गिर रही थी, ओले भी पड़ने लगे तेज हवाओं के साथ। दिस ट्रूली डिड रिसेम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइंस, और ये रियली में क्या था, ऐसा लगता था कि ये चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो उसके बच्चे थे खुद को कपड़े उतार कर वो बारिश में आ जाते हैं नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। रन आउट फॉर टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो जो ओले गिर रहे थे ऐसे लगते थे जैसे ये कोई मोती हो, पल्स हो, पल्स का मतलब मोती होता है, तो जैसे वो कोई जमा हुआ मोती की तरह वो गिर रहे थे। वो उसी को कलेक्ट करने के लिए उसके जो बच्चे थे वो बारिश में निकल आते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो अब घबरा जाता है और बोलता है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा हो रहा है, अब जो भी हो रहा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे लगता है कि जल्द ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन ऑन द हाउसेस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो'स सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अब हम आपको इसकी हिंदी बताते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है, ऐसे चकित होकर लेंचो ने बोला। आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि जल्द ही ये तूफान, ये जो ओलेबारी हो रही है, गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्द ही पास नहीं हुआ, ये जल्द ही बीता नहीं, करीब ये कई घंटे, ये कम से कम एक घंटे तक चला। बारिश के साथ ओले पड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, उसके सभी फसल नुकसान होने लगे। फिर क्या होता है, द फील्ड वॉज द हेल रेन ऑन द हाउस, बारिश जो ओले पड़ रहे थे घरों पे पड़ रहे थे, द गार्डन पर पड़ रहे थे, हिल साइड, हर तरफ ओले पड़ने लगे, जो फसलें थी खराब होने लगी, द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट, ओले इतने पड़ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे फसल की जो खेत थी वो सभी में बर्फ जम गया हो, इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा हो कि जैसे नमक का ढेर लग गया हो, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ों पर नहीं बची थी, इतने ज्यादा ओले पड़े, बारिश हुई, हवाएं इतनी तेज चली कि एक एक पत्ती भी झड़ गई। वॉज फील्ड द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और सभी बच्चे, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके बच्चे भी हैरान हो गए कि अब ये क्या हो रहा। लेकिन फाइनली जाते जाते अंततः पूरा फसल बर्बाद कर गया, जो ओले पड़ रहे थे सभी फसल बर्बाद कर दिया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूलों के जो पौधे थे उनके पौधों से सभी फूल टूट कर नीचे गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो का हृदय था, उसकी जो आत्मा थी, बहुत ही दुखी हो गया कि अब हम क्या करेंगे। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, जब बीत गया, जब यह समाप्त हो गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़े होकर सोचने लगा, said to his sons, उसके बीच में खड़े होकर अपने बच्चों से कहने लगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है, मैं आपको पार्ट सेकेंड भी जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता तो कमेंट में ज़रूर किया करिए, जैसे कि आज बच्चों ने किया था तो हमने रिप्लाई भी किया है। और आप देखते रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, COVID-19 की वजह से ढेर सारी दिक्कतें हो रही, तो आई होप सभी घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और घर पर आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।